दोस्तों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट तापस स्वागत करता हूँ मेरा तापस फार्मासिस्ट चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग आपका दांत का धब्बे को मतलब पीला हो गया ऐसा दांत को, ब्राउन हो गया ऐसा दांत को, किसी किसी का पान गुटखा खाने के बाद जो धब्बे पड़ जाता है वो सब धब्बे को कैसे आप लोग आसान तरीका से दूर कर सकते हैं, वो भी घर में ही बैठ के, और अपना दांत को मोती जैसे झलमलाते हुए हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे ले जाऊं, मैं वो सीरियस व्यूअर से कहना चाहता हूं, मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जो सही में दवा और कॉस्मेटिक के साथ साथ हेल्थ संबंधित सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नया वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच कर लीजिएगा जरूर। दोस्तों सभी का घरों में बेकिंग सोडा रहता है, जो मैं अभी स्पॉट में रखा हूँ ये बेकिंग सोडा है। दोस्तों क्या जानते हैं कि इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल से आप लोग आपका दांत का धब्बे को हटा के मोती जैसे दांत हासिल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अभी दांत का वाइटनिंग के लिए बहुत ही सारा टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आप इस बेकिंग सोडा को हाथ में ले सकते हैं, कोई पॉट में भी रख सकते हैं, और इसमें थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट बना लीजिए। ऐसे एक पेस्ट बन गया, और इस पेस्ट को उंगली से लेके आपका दांत में मैसेज कीजिए। कुछ देर मैसेज करने के बाद पानी लेके आप मुंह को कुल्ला कर लीजिए, और उसका बाद टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट से, अच्छा टूथपेस्ट से ब्रश में लगा के आप दांत को ब्रश कर लीजिए। कुछ दिन ऐसा करने से आप लोग देखिएगा, आप लोग का दांत मोती जैसे झलमलाते हुए नजर आएगा। दोस्तों जब आप बेकिंग सोडा का ऊपर पानी डालते हैं, तब ये फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है, और जब आप ये पेस्ट को दांत में लगाते हैं, तब ये दांत का स्टेन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके, ऑक्सीडाइज्ड करके दांत का येलो और ब्राउन स्टेन मतलब दाग धब्बे को दूर करता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी बेकिंग सोडा को दांत में ब्रश से मत घिसिएगा, और ज़्यादा दिन इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऐसा करने से हो सकता है आपका दांत का एनामेल का हानि पहुंच जाए, और आप रेगुलर कोई टूथपेस्ट से आपका दांत में ब्रश कीजिए। दोस्तों मैं इस चैनल में आप लोगों को सही से सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरा हर वीडियो दूसरे से अलग है, इसलिए जो दोस्तों ने सही जानकारी पाना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैनल का सभी वीडियो सबसे अलग है, कोई अलग जानकारी रहता है इस वीडियो में। दोस्तों मैं फार्मासिस्ट तापस इस वीडियो को आज यहाँ ही खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कोई सही जानकारी के साथ, यूनिक वीडियो के साथ। आज चलते हैं, बाय बाय।